आप देख रहे हैं आकाश गाथा। प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हमारे उत्कर्ष के लिए तीन प्रवाह दिए, उसमें से है राजकारण, धम्मकारण और समाजकारण। आइए हम आज बात करते हैं धम्मकारण की। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध इनके जयंती अवसर पर बात करते हैं ऐसे ही एक भिक्षु से जिसने अपनी तमाम उम्र जो है इस समाज के हित के लिए अर्पित कर दी। सम्यक आचरण के माध्यम से जीवन सुलभ करने का मार्ग है तथागत गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म। स्वहित के साथ जनहित साध्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। इसी कारण प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इस बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके धम्म कारण का यह कारवा कई नेक लोगों ने प्रामाणिकता से आगे बढ़ाया है। उन्हीं में से एक व्यक्तित्व है धम्मदूत इंटरनेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष। उन्होंने धम्म कारण के साथ साथ तक्षशिला गुरुकुल जैसे शिक्षण संस्था का निर्माण कर तीन पीढ़ियों को शिक्षित, संस्कारी एवं सम्यक आजीविका संपन्न करने के योग्य बनाया है। धम्मपथ पर चलते हुए ज्ञान और संस्कार देकर एक प्रतिष्ठित समाज का निर्माण करने वाले आज के हमारे आकाश गाथा के ब्लू सन्स अतिथि वक्ता है डॉक्टर भदंत एन महातकरे। तो दोस्तों, आज हम है उल्लासनगर के सुभाष टेकड़ी परिसर में, जहां पर धम्मदूत इंटरनेशनल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर भदंत आनंद माथेरो संगनायक इनसे हम मिलते हैं और जानते हैं बौद्ध धम्म के बारे में अधिक विस्तृत से। बंती जी, बुद्धि प्रामाण्यवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यह धम्म इसीलिए और इस विश्व में प्रगति कर रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक की नगरी में श्रीलंका में जन्मा हुआ एक डॉक्टर भदंत आनंद महाथेरो, आज उल्लासनगर की इस जहाँ पे तथागत की वस्ती कहा जाता है इस देश में, भारत में, तो यह जो आपका सफर था ये किस तरह का था? लगभग 57 साल के पूर्व हमारे गुरुवर्य ने जो हमको जो तैयार किया था, अभी तो ये साल में 9 जून को 60 साल पूरा होने वाले हैं। विश्व में एक भाग है तो श्रीलंका, श्रीलंका में सभी बनते लोग जो ज्ञानवान पंडितवान बनते लोग ने विचार किया ये तो अभी अपना समय आ गया है उनके लिए, उसके लिए 30 बच्चों को हम इकट्ठा करके हम ट्रेनिंग देंगे खास करके भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसलिए 9 जून 1963 में जो दीक्षा दिया मुझे, मेरे साथ अनकिन और 29 बच्चे थे, हम सब मिलकर 30 लोग थे, तो हमको ट्रेनिंग दिया गया खास करके भाषा सिखवाया, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, ऐसे विदेशी भाषा से पहले अवगत कराया, बाद में सब ट्रेनिंग दिया धम्म का। ट्रेनिंग दे के हमको हमारा पहला बैच 1967 में ही निकला, मैं दूसरा बैच में था 1967 में जो अगस्त में निकला था, अगस्त 23 तारीख को 1967 में सबसे पहले MC सरनागर नाम का जो भारत के संबंधित श्रीलंका के बनते जी थे उनके मार्गदर्शन में उनके साथ हमको भारत में भेजा गया। सबसे पहले मैं भुसावल, जलगांव इन देश इन विभागों में काम करते थे और दरमियान यहाँ काफ़ी लोग नागपुर वाले और सारे महाराष्ट्र के लोग बौद्ध लोग उल्लासनगर में रहते हैं, सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े ऑफिसर रहा करते थे, तो उन लोगों ने इकट्ठा होके उनका विचार आया कि ऐसा कोई संस्था हो जाए विदेश से मदद प्राप्त करे ये धम्म का प्रचार के लिए, तो उनको अपना ये महामंद के बारे में एक बंती जी यहाँ आया करते थे दक्षिण भारत से एस परम शांति महास्तवीर, तो उनके सौजन्य से
वो हमारा गुरु जी का उनका संबंध होने से तो उनको परवाह नहीं किया, इसलिए कि भारत में ये शाखा महामंदिर इंटरनेशनल धर्मदूत सोसाइटी का शाखा 1969 में खोला गया था। तो बाद में 1970 तक इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था महामंदिर सोसाइटी के सौजन्य से, जो हमारे गुरुवर्य ने आशीर्वाद दिया था स्कूल बनाने के लिए। तो 35 लोगों को लेके ये स्कूल शुरू किया तक्षशिला विद्यालय के नाम से। आज उसमें 3,500 से ऊपर विद्यार्थी हैं और मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऐसा दोनों माध्यम से स्कूल चला रहे हैं। बंती जी, अगर मैं बात करूं बुद्ध धम्म की, तो एक तरफ से कहा जाता है कि इस धम्म में भगवान इस संकल्पना को हम मानते नहीं, और दूसरी तरफ उसी हमारे जो आराध्य है भगवान गौतम बुद्ध, इन्हें भगवान कर हम संबोधते हैं। तो ये दो भगवान जो संकल्पनाए हैं, इसमें क्या अंतर है? भगवान का ये अर्थ देव नहीं है, ये सबसे पहचान लेना चाहिए। जैसा ये शब्द को पाली में भगवतो कहते हैं, भगवतो का अर्थ निकालने के लिए भगवान शब्द डाला है। भगवान कहने से किसी के मन में देव का जो संकल्प आ जाती है, तो लेकिन ये देव का मतलब नहीं है। ऐसे तो इतिहास में भगवान बुद्ध के जैसे मैं भी अभी स्वयं भगवान करके बोल दिया, लेकिन इसका कतई ऐसा उसका अर्थ नहीं निकलना चाहिए, ये देव है। इसलिए कोई कोई गायक लोगों ने भी गलती से उनके गानों में भी डाला है बुद्ध देवा तुझे ज्ञान गंगा। तो हम जब भी 50 साल पहले मैं बोला था गाना बहुत सुंदर है, लेकिन ये शब्द गलत है, शब्द तो गलत है, बुद्ध देवा नहीं, बुद्ध देव नहीं हो सकता है। तो देव संकल्प में ऐसा श्रेष्ठ पुरुष माना गया है, तो ऐसे तो श्रेष्ठ लोग भगवान बुद्ध के पास आया करते थे, उनको प्रवचन देने का समय निर्धारित था मध्य रात्रि में। इसलिए अनेक सूत्र आपको त्रिपिटक को थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, तो ये देव संकल्प जरूर निकल जाएगा। जैसा जो कहते हैं एवं मेषतन, क्योंकि इसमें बहुत सारा सूत्र में एवं मेषतन लिखा है, उसका मतलब आनंद बंती जी जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य, वो टेप रिकॉर्डर जैसा उनको हर एक बात भगवान बुद्ध के ऐसा याद रहता था। स्मरण शक्ति में अग्रगण्य जो आनंद बंती जी, तो इसलिए उनको जब प्रथम संगाय नाम है उनको शामिल कराया, खास करके ये चाहिए था कि ये भगवान बुद्ध का ये धम्म को इकट्ठा करें। ये प्रश्न जैसे कहते हैं देव मंडल में गया करके बोला, देव मंडल बोले तो क्या है वो सभा में जो सद्गुणी महापुरुष जैसे लेवल के जो रहते हुए जो लोग थे उनके वहां गया। आनंद बंती जी बोलता है एवं मैं सुतांग, मैंने ऐसा सुना भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, एवं मैं सुतांग मैंने ऐसा सुना, एक अन समय एक समय भगवान बुद्ध जेतवन श्रावस्ती जेतवन विहार में रहते समय अन्य तरह देवता एक अन्य देवता करके जो शब्द है उधर, तो लेकिन ये जो देवी देवता जो आजकल जो दुनिया में है वो नहीं है। तो फिर भी एक सवाल ऐसे जहन में खड़ा होता है कि इतना शक्तिशाली इस विश्व का धम्म बौद्ध धम्म होने के बावजूद भी आज भारत में इतनी अधोगति पर क्यों पाया जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो मैं भी वही सोचता था जब से मैं भारत में आया। तो जैसा हम धम्म पढ़ते समय तो भारत का जो स्थिति भगवान बुद्ध के समय हमको ऐसा दृश्य निर्माण होता था, लेकिन मैं भारत में आने के बाद वो दृश्य हमको देखने को नहीं मिला। तो केवल पुराने जो स्थल जो रहता है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उनका जो प्रवचन हो गया, पहला प्रवचन हो गया और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ, ऐसे स्थल हमको देखने के बाद केवल स्थल दिखता है, लेकिन वो बुद्ध का प्रभाव जो उस समय जो चलता था वो दिखाई नहीं देता है। कारण मैं समझ गया, क्योंकि लोगों को ये धम्म बहुत जल्दी
शीघ्र ही अपना लेता है, लेकिन आचरण करने में बहुत असमर्थ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है वो विदेश में जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इस देश को हिंदू राष्ट्र करके बनाने में लगे हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? ये हमको भी बहुत अजीब लगा। जब एक समय श्रीलंका में वो आए थे, मैं भी वहीं था श्रीलंका में, जब उस समय प्रादुर्भाव था, वैशाख का जो स्पेशल कार्यक्रम के लिए उनको बुलाया गया, वो धम्मपद के इतने गाथा पढ़ बताया, इसमें बैहाट बताया, सबको अजीब लगा, बोला ये आदमी इतना धम्म का अभ्यास हुआ है, ये तो पक्का बौद्ध दीक्षा है। तो लेकिन मुझे तो मालूम था ये कौन है करके, तो फिर भी विदेश में जाने के बाद भगवान बुद्ध का नाम लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भूल जाते हैं। यहाँ का जो ज्यादा से जो लोग मोह माया में जो लपेटे हुए लोग हैं, उनके साथ मिल जाके श्रीलंका। यही चिंता की बात है कि बौद्ध धर्म आचरण से संलग्न है और हम आचरण में ही कहीं असमर्थ दिखाई देते हैं। तो 2500 सालों में इतने सारे व्यवस्थाओं ने बौद्ध धर्म पर आक्रमण किए हुए हैं, अपना अधिकार उसको नष्ट करने की कोशिश की है बारंबार, फिर भी आपको आज के इस दौर में आगे का भविष्य क्या दिखता है इस धम्म का? आगे का भविष्य ऐसा है, अभी धीरे धीरे अभी नव युवक ये आगे इसमें आ रहा है, ये हमको बहुत अच्छी बात प्लस पॉइंट है। तो ये तरुण पीढ़ी, जब मैं शुरू में जब भारत में आया, तरुण पीढ़ी हमारे पास आने को तैयार नहीं था, क्योंकि इधर का विश्वास, इधर का ये ऐसा ये मानना था, बौद्ध बोला तो ये शेड्यूल कास्ट, ये ऐसा भावना होने के कारण तरुण वर्ग बहुत दूर रहता था धम्म से। लेकिन अभी लोग सारे दुनिया में ये धम्म का ये स्थान उनको मालूम हो गया, इसलिए अभी तरुण लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात, पहले बहुत सारे लोग जब शुरू में मैं आया तो इकट्ठा रहते थे, एकत्र, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अभी अपने समाज में कुछ कुछ भेदभाव रखता है। बिल्कुल, ये भेदभाव जब निकल जाएगा, सब एक ही दिन में एकोप्य करके जो मराठी में होता है, एकोप्य होना चाहिए, एकता, सब में एकता रहे, सारे भारत के बौद्ध एक संघ हो, ऐसा यदि निर्माण हो जाए तो सम्राट अशोक का युग फिर से आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता। बिल्कुल, बंती जी ने कहा कि हम कहीं ना कहीं अब आपा खो रहे हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध ने हमें समानता का मध्यम मार्ग दिया है, सम्यक मार्ग दिया है, उसे छोड़कर हम कहीं ना कहीं आज कट्टरता के मार्ग पर चल पड़े हैं, और ये हमारे लिए काफी हानिकारक बात हो सकती है। भंती जी, आगे चलकर मैं एक पूछता हूँ कि आज विपश्यना हो या योग हो, ये विश्व ने स्वीकारे है, लेकिन योग और विपश्यना, इनमें क्या आपको अंतर महसूस होता है? योग और विपश्यना में अंतर है, कारण योग ये आपका बल शक्ति जो है आपको बलवान बनाएगा, कौन सा, इसमें शारीरिक बल, लेकिन मानसिक बल बनाने के लिए विपश्यना, ध्यान साधना एक के सिवाय कर नहीं सकता। केवल योग के जरिए, योग के आपका शरीर का बल निर्माण होगा, स्फूर्ति रहेगी, लेकिन मानसिक विकास के लिए विपश्यना, ध्यान साधना सिवाय कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बंती जी, चरित भिकवे चारिक जो गौतम बुद्ध ने हमें अभिवचन दिया था, जो संदेश दिया था, क्या आज का हमारा भिक्खुगण जो है उस राह पर चल रहा है? भिक्खु संघ में संख्या के मुताबिक यदि देखा जाए, कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग चरित भिकवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो इसके ये शब्द को लेकर बहुत घूमने वाले भी मुझे मिले। तो हमने पूछा था, बंती जी आपका वास्तव्य कहाँ है? तो कहते थे, बंती जी मेरा निश्चित वास्तव्य नहीं है। मैं समझ गया उसका मतलब, आप चरित भिकवे चारिकम का सही रूप से कर रहे हैं, वातावरण के अनुसार शायद बनते लोगों को कठिनाई पहुँचते होंगे, अन्यथा सभी लोग अपना अपना विहार छोड़ के विहार में केवल साल में एक बार आ जाएंगे और चलते रहेंगे। तो ऐसा मैं भी कुछ समय गुजारा,
यहाँ जब मेरे 57 वर्ष के जीवन में तो बिहार छोड़ के कई कई महीना दो महीना मैं नहीं आते थे, क्योंकि उस समय धम्म का बहुत प्रचार का जरूरत था, बनते लोग कम होने के कारण हमको ज़्यादा फिरना पड़ा, पैदल भी बहुत घूमे। जब तो 1973 तक रिक्शा भी नहीं था, रिक्शा भी आने लगे 1970, तो इसलिए जब उल्लासनगर में 1 नंबर से 5 नंबर तक पैदल मैं आता था। बदलते समय के साथ भिक्खुगण भी अपना रूप बदल रहे हैं, जैसे कि कहा कि कभी आप बैलगाड़ी से जाया करते थे, आज आपको यांत्रिक वाहनों के माध्यम से जाना पड़ता है। प्रचार प्रसार का वेग भी उतना ही बढ़ चुका है, लेकिन इस दौरान कुछ भंती जी ऐसे भी हैं जो इस चीवर को थोड़ा बहुत कहीं पर कलंकित करने का भी काम करते हैं, लेकिन वो चंद है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में यह चित्र बदल लेगा। और भंती जी, जिस तरीके से हम लोगों ने, आपने अपार कष्ट से उल्लासनगर में धम्मदूत इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना की है, तक्षशिला जैसे गुरुकुल का निर्माण किया है, जिसमें से हजारों नहीं लाखों लोग आज पढ़ चुके हैं, कई पीढ़ियां यहाँ पर पड़ी है, बड़ी है, आगे बढ़ी है, तो इस संस्था को आपने अपने पुत्र के जैसे, एक पौत्र के जैसे संभाला है, तो इस दौरान हमारे बुद्ध विहार का भी निर्माण हो रहा है, तो हमारे उपासकों से क्या आप अभिवचन चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि धम्म भावना निर्माण होने के लिए दान पारमिता को महत्व जरूर देना चाहिए, और दान पारमिता यदि हो, आपके मन में सहाय करने का जो है, अच्छे कार्य के लिए, धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए साथ देने का, इसमें कोई भेदभाव न करके, जहाँ भिक्खु संघ है और वहाँ जहाँ भव्य दिव्य विहार होने जा रहा है, उसका एक टप्पा जो पूरा हुआ है, अभी दूसरा पूरा होने के लिए सबका योगदान का बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार को लेकर कई सारी चर्चाएं हम सुनने में आती है, लेकिन भदंत आनंद एन महाथेरो जैसे लोग हैं कि शांति से अपना कार्य किए जा रहे हैं, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए हुए। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी मातृभूमि को छोड़कर उल्लासनगर जैसे बंजर इस विभाग में इस कुल का निर्माण किया, इस संस्था का निर्माण किया, इस गुरुकुल का निर्माण किया, और आज कई पीढ़ियों को शिक्षित किया है, उन्हें उपजीविका बहाल की है, उन्हें संस्कारित किया है, अगर ऐसे व्यक्ति को ऐसे पुरस्कारों के लिए अगर उनका चयन नहीं होता है, तो यहाँ का समाज और सरकार का दृष्टिकोण कितना संकुचित है, यह भी हमें गौर करने की एक बात होती है। बंती जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य विचार, अपने अमूल्य संदेश और तथागत के इन विचारों पर प्रकाश डाला। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।